एज यू ऑल नो कि अभी एसएससी ने जो 2021 का टायर वन का पेपर हुआ था उसकी ऑफिशियल आंसर कीज रिलीज करी थी, और आई होप सारे के सारे एस्पायरेंट्स ने अपनी आंसर कीज चेक कर ली होंगी और उनको एक आइडिया लग गया होगा कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर नॉर्मलाइजेशन होगा तो कितने मार्क्स मेरे प्लस माइनस हो सकते हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ डेटा इज अवेलेबल ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स रिगार्डिंग द गूगल फॉर्म भरिए, ये भरिए, वो भरिए, रैंक आईक्यू पे अपनी रैंक प्रिडिक्ट और जो भी कुछ है, मतलब यू हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स आई बिलीव। ओके, सो नाउ इट इज़ टाइम फॉर एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और ये हमेशा की तरह बच्चों के अंदर एक एक्साइटमेंट होता है कि वेदर आई विल बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट लेवल और नॉट, एंड शैल आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। सो बिफोर गोइंग डीप इन टू द वीडियो, आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपके मार्क्स अगर आप बॉर्डर पे भी हैं, सो डोंट बी डिसहार्टेड एंड प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज इट इज़ नेवर लाइक नो वन कैन प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट कट ऑफ। और आप यदि ये सोचेंगे कि रिजल्ट आने के बाद ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा या करूंगी, देन इट विल बी टू लेट। इधर फॉर लाइक इफ यू आर कंसिडरिंग दैट यू आर नॉट सिलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल, देन स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन और फॉर द नेक्स्ट टाइम, देन रादर देन वेस्टिंग योर टाइम जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल, माइट बी पॉसिबल दैट यू आर गेट इन। और यदि आप टायर टू को हम देखेंगे तो डेडिकेटेडली जो है होलिस्टिकली दैट बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, तो यदि आपकी मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है देन यू कैन टर्न द टेबल टू योर साइड्स। तो आई स्टिल बिलीव दैट देर इज नो वे टू एंड योर होप, आप अपनी होप्स को जिंदा रखिए अंटिल अनलेस रिजल्ट आता है, तो और उस रिजल्ट आने के बाद भी आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल बूस्ट करके रखनी है और अच्छे से रखनी है, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस समझ लीजिए, इसको गाइडलाइन समझ लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ मतलब हमेशा से बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, उनके ग्रीवियांसेस होते हैं, उनकी एगनी जुड़ी होती है। तो आई बिलीव कि मैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, और मैंने पिछली बार भी बताई थी, इट वाज ऑलमोस्ट अराउंड द सेम, यू कैन चेक। तो हम 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं, तो क्रॉस योर फिंगर्स दोस्तों। तो सबसे पहले थोड़ा सा यदि हम वैकेंसीज को देखें, तो वैकेंसीज़ का जो ग्राफ है, भी 2014 से करीब 16,000 वैकेंसीज हमारे पास कभी हुआ करती थी, यू कैन सी, और अब करीब ये 7,035, जो कि 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 में यदि बच्चे पूछेंगे सर 2021 में कितना रहेगा, तो एज़ पर द नोटिफिकेशन अभी ये 6,500 के आसपास का मतलब ये है, टेंटेटिव है, ये बढ़ेंगी और करीब 7,000 के रेंज में ही जाएंगी। तो अभी मतलब 6,500 वैकेंसीज आप ये मान के चलिए एसएससी सीजीएल 2021 में होने वाली हैं, सो इट विल बी अराउंड 7,000 और समथिंग प्लस माइनस, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लगातार जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और जो पीएसयूज हैं नाउ दे आर मीन्स उनको डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन कर रही है, तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अब प्राइवेट या ट्रिपल पी मॉडल पे काम करते हैं, पीपीपी समझते हैं, ठीक है, पब्लिक जो प्राइवेट पार्टनरशिप होती है। तो 6,500 या 7,000 वैकेंसीज इसमें होने वाली हैं, एंड अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि 10,000 हो जाए, ठीक है, बिकॉज हर बच्चे को जो भी कोई एस्पायरेंट सीरियस एस्पायरेंट है उसको जॉब मिलनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यदि हम वैकेंसीज देखें कैटेगरी वाइज, तो कभी 2015 में यूआर कैटेगरी की 4,500 और उसके बाद 5,800 वैकेंसीज, फिर यहाँ भी 5,800 करीब वैकेंसीज थी 2018 में, और यदि हम पिछले साल की बात करें 2020 में सिर्फ 2,900 करीब वैकेंसीज यहाँ पर यूआर की कैटेगरी की, और यदि हम बात करें दोस्तों ओबीसी कैटेगरी करीब 1,900 वैकेंसी और सिर्फ 1,000 वैकेंसीज ऑलमोस्ट फॉर द एससी कैटेगरी एंड एसटी के लिए 510। तो ये जो डिक्रीजिंग ग्राफ है ये एक प्रेशर बिल्डअप करता है अमंग द स्टूडेंट्स, और इसको टैकल करना नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो जो भी कोई एस्पायरेंट है प्लीज़ यार अपने गोल पर फोकस रहिए, और इफ़ यू वॉन्ट टू स्नैच ए जॉब देन यू हैव टू वर्क हार्ड, रियली वर्क हार्ड, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट सो ईजी इन प्रेजेंट सिनारियो, ठीक है। तो ये सब आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि किस तरह से लाइक अगर हम 2014 से ही देखेंगे मोदी गवर्नमेंट के बाद से ही, तो
चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ी है। एंड आई डोंट वांट टू मींस कमेंट ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी जो भी है, लेट इट बी ए डिफरेंट वीडियो। ओके, सो ये सारी बातें हैं। नाउ थोड़ा सा हम प्रीवियस कट ऑफ की बात कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट कि किस तरह से ग्राफ चला। सो 2014 में जो करीब 96 नंबर की कट ऑफ रहती थी, एंड इट हैज़ इंक्रीज्ड 102 देन 137, एंड जो पिछले साल की कट ऑफ दोस्तों यू आर कैटेगरी में 132 गई है। एंड सिमिलरली फॉर द ओबीसी कैटेगरी इट हैज़ बीन राइजिंग फ्रॉम 82 टू 119, करीब 120 मान सकते हैं। और एससी के लिए भी 77 से 100 और 69 से 93। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा डेटा आपके पास रहेगा तो आपको एक पता रहेगा कि किस तरह से चीज़ें डरना पूरी हैं। और 2019 में काफ़ी लंबे केस के बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने अपना फाइनल मेरिट में नाम बनाया है। तो 2019 क्योंकि एक बड़ा बवाल वाला था, और एक 2017 हमेशा से ही SSC हर 1-2 साल में कुछ ऐसा पंगा करती है जिसे स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो 2017 में कोर्ट केस हुआ था वो चीटिंग को लेकर, 2019 में पेपर का जो नॉर्मलाइजेशन का नॉर्मलाइजेशन जो बनाया था SSC ने, उसके लिए बहुत सारा बवाल हुआ था। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। नाउ कमिंग टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो अगर हम इस ईयर की बात करेंगे दोस्तों, जो मेरा ये खुद का प्रडिक्शन है, आई मे बी रॉन्ग बट डोंट टेक इट टू द हार्ट बिकॉज इट इज जनरल ए प्रडिक्शन। तो एक जनरल सी प्रडिक्शन है और ये आपको एक आइडिया दे देगी कि आपके एग्जाम में कितने नंबर आ रहे हैं और आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द यू आर कैटेगरी, तो यू आर कैटेगरी का यदि हम ग्राफ देखते हैं पिछले 4-5 सालों का, ठीक है, तो यहाँ से करीब 130 की रेंज में है। तो डेफिनेटली ये इस बार भी मेरे हिसाब से 130 रहने वाला है। आई कैन पुट इट 135 प्लस माइनस 5 मार्क्स। ओके, सो इट विल बी अराउंड 130 टू 140, नो प्रॉब्लम इन दैट। बिकॉज जो मैंने ये शिफ्ट एनालिसिस देखा है, तो ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था तो ये कट ऑफ बढ़ सकती है। इट विल बी अराउंड सेम जो पिछले साल रही थी। हाँ, हालांकि लेकिन वैकेंसीज कम है तो इसकी वजह से थोड़ा सा बटन आ सकता है। और यदि हम OBC कैटेगरी की बात करेंगे, सो इट विल बी अराउंड 118 प्लस माइनस बेटा 5। एंड इफ आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज ST कैटेगरी, सो इट विल बी अराउंड 95 प्लस माइनस 5, फिर मैं यहाँ भी अराउंड। और यदि हम दोस्तों SC की बात करेंगे तो SC में भी करीब 102 नंबर प्लस माइनस 5। ठीक है, तो ये प्लस माइनस 5 डेविएशन है। तो ये तो मेरी कट ऑफ रही। और EWF कैटेगरी के बच्चे को भी बता देता हूँ, क्योंकि बात बात बहुत बार मैसेज आता है कि सर आपने EWF का बताया, EWS का बताया नहीं। तो EWS की जो कैटेगरी दोस्तों है उसके हिसाब से जो कट ऑफ रहेगी इट विल बी अराउंड 115 प्लस माइनस 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये दोस्तों मेरी तरफ से कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एंड आई होप कि आपके जो मार्क्स हैं इसी रेंज में आ रहे होंगे, इवन इससे भी कम आ रहे हैं, सो डोंट बी फूल। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये बिफोर नॉर्मलाइजेशन है। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल कट ऑफ है, मतलब आपका जो भी कोई स्कोर रहेगा उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। ये मेरी तरफ से फाइनल स्कोर जो भी है उसके पिक के ऊपर है। ठीक है, अगर आपके रॉ स्कोर इससे ज़्यादा आते हैं देन इससे बड़ी इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। बट आपका यदि आपको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, सो इट विल बी गुड फॉर यू। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी दोस्तों। एंड आई होप आपको चीज़ें थोड़ा सा मतलब आपको समझ में आया होगा कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज मेहनत ही सब कुछ है दोस्तों आज के टाइम में। एंड इफ यू बिलीव के बिना मेहनत के आपको चीज़ें मिल जाएंगी, सो आई डोंट थिंक कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम में कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ गया है। एंड थैंक्स टू द लाइक वी कैन से जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया स्टूडेंट्स का ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छी लर्निंग वहाँ पर दी है और परफॉर्मेंस भी अपनी इम्प्रूव करी है। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को यार सब्सक्राइब कर लिया करो बिना कहे, और वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दिया करो क्योंकि ज़रूरी है, मैं आपके लिए कंटेंट बनाऊँगा। और जो CGL मेंस का पेपर है जो कि आप होने वाला है, ठीक है, तो Tier 1 के बाद में 2021 के लिए, उसके लिए जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो पोस्ट करूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डोंट वरी फॉर दैट। और प्लीज़ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने एस्पायरेंट्स जो भी दोस्त हैं उनके बीच में। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट लेवल एंड फॉर द फ्यूचर ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर।